क्या लग रहे हो भाई? क्या लग रहे हैं? इसको बनने में 137 ये लग गए 135 साल। जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये फिल्म जोधा अकबर का तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और ये है नेक्स्ट डे हमारा और हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट। और होटल से हमने कर लिया ये इनोवा और इसमें हम सारे के सारे एक गाड़ी में आ जाएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। तो गाइज स्टे ट्यून टू माई चैनल मनी टेक वीलॉग और ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रास्ते में हम आपको दिखाएंगे। और पूरा का पूरा दिन हम बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान कर रखी है, तो सब के सब आप इंजॉय करो और वीडियो कंटिन्यू रखो, डोंट स्किप और कीप वॉचिंग मनी टेक वीलॉग। और मिलते हैं अच्छे अच्छे लोकेशन और अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। तो गाइज जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हो ये आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट दो हैं। तो ये फोर्ट देख रहे हो कितना प्यारा सा लग रहा है। और एक फोर्ट हमारे यहाँ पे है, ये जो पीछे दिख रहा है यहाँ पे, ये एक फोटो पॉइंट है गाइज। तो हम यहाँ रुके हुए हैं फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए। पता है ऐसी चीज़ें देखते हैं ना तो मेरे मन में बस यही चीज़ आती है कि उस जमाने में, जिस जमाने में भी ये बनी है ना चीज़ें, वो कैसे बनाया होगा, कैसे चीज़ों को लेकर गए होंगे, कैसे कैसे चीज़ें हुई होंगी, मतलब कितना टफ है ना आज के टाइम में। तो फिर भी गाइज मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे आप आराम से कंस्ट्रक्शन एंड ऑल इजी तरीके से कर सकते हो, बट जिस टाइम में ये बना है उस टाइम में ये सारी चीज़ें बनाना, चीज़ों को पहुंचाना, लेकर जाना अपने आप में बहुत टफ है। तो ये गाइज देखो क्या व्यू है, बहुत अच्छा और एकदम क्लियर आप देख पा रहे हो। और जैसा कि अभी यहाँ पे लोकल जो हमारे कैब के ड्राइवर, उन्होंने बताया कि इस फोर्ट पे क्या एलिफेंट्स चलते हैं, एलिफेंट से आप नीचे से ऊपर जाते हो, तो वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। गाइस ये है आमेर फोर्ट का एरिया जहाँ पे ये पार्किंग है। तो हमारी जो गाड़ी है डायरेक्ट ऊपर तक आई थी और यहाँ पे हम अब थोड़ा सा सोच रहे हैं चाय पी लें, मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पे। क्या लग रहा है भाई? क्या लग रहा है? गजब आमेर फोर्ट वाली चाय। आमेर फोर्ट, हाँ आमेर नाम एक रोड शिवा टेम्पल है अम्बुकेश्वर नाम से, मोर देन 1000 ईयर ओल्ड, दैट्स व्हाई दिस एरिया इज कॉल्ड आमेर। नाम इसको आमेर आल्सो ए एम पी आर बी साइलेंट पी यू टी सी, व्हिच मींस आमेर एंड आमेर सेम बी साइलेंट। हां तो आमेर और आमेर सेम चीज है। ओके ऑन द टॉप का देखो जी, हां जी वो जगह जगह राजा की आर्मी वहां से थी और राजा लोग यहां रहते। अच्छा ये एक्चुअली पैलेस है, वो फोर्ट है, अपने बेसिक डिफरेंस समझ सकते हैं फोर्ट और पैलेस। और ये माउंटेन रेंज अरावली माउंटेन रेंज अरावली हिल्स स्टार्टिंग गुजरात से लेकर दिल्ली तक जाते हैं, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन के पास है। वहीं से पूरा 12 किलोमीटर लंबा चौथा स्टेप है। ये जो पहले से ये 1590 में मान सिंह पटेल का फाउंडेशन रखा, इसको बनने में 137 ईयर लग गए 135 साल। अच्छा थ्री जनरेशन बिल्ड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे रोड बिल्ड बाय द वर्ल्ड। पहले पहले भी कहेंगे तीन जनरेशन से हो रहा है। 137 साल आर्मी थी वहाँ पे, आर्मी आर्मी के लिए फोर्ट से बनाया गया। क्या कहते हैं जयगढ़ जयगढ़ दोनों घूमने के आमेर फोर्ट वाला मेन पहले से तो गाइज ये है आमेर फोर्ट का एरिया जहाँ पे आप देख रहे हो एलिफेंट राइड भी हैं, तो आप नीचे से ऊपर तक एलिफेंट्स भी आ सकते हो। टेक्सटाइल में यूज करते हैं साड़ी सूट बेडशीट बेड कवर किस तरह से यूज किया जाता है। सेकंड पार्ट में आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। इस टिकट के दो पार्ट हैं, एक फोर्ट है एक यहाँ आर्ट है, दो अंदर रहेगा। फर्स्ट फ्लोर है वो डाइनिंग हॉल है और वुडन डोर रॉयल किचन है, दोनों क्लोज है, इसके अंदर कुछ है नहीं। इस पैलेस का मेन देखने वाला चीज़ है वो है शीश महल ग्लास पैलेस। अच्छा जो इसके अंदर है जिसको अपन देखने चलेंगे, फिर मैं आपका फोटो लेता हूँ। यहाँ पर जो दीवारें खास है वो इसके आगे है, हाँ इसके गेट के अंदर दिस इज रियल गोल्ड पेंटिंग। तो ये सामने से बिल्कुल ही ऐसा नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे आप पीछे आओगे तो इस पर सारा गोल्ड का रिफ्लेक्शन आ रहा है।
तो यहाँ पे काफ़ी ही सुंदर अद्भुत कलाकारी है और जो व्यू है काफ़ी अच्छा है। तो गाइज अभी हम हैं अमेर फोर्ट के अंदर और जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हो कि यहाँ पे 11 अलग अलग कमरे बने हैं जो कि सारे के सारे एक जैसे हैं और किसी कमरे में अगर उस समय राजा जाते थे तो किसी को पता नहीं चलता, दूसरी रानी को बिल्कुल नहीं पता चलता था कि राजा कहाँ गए हैं और किधर गए हैं। तो गाइज ये बहुत ही सुंदर है महल और सारे जैसे मैंने बताया आपको 11 कमरे हैं यहाँ पे, सारा 2BHK टाइप का बना हुआ है, सब एक जैसा है। और उसके ऊपर का जो एरिया आप देख रहे हो तो यहाँ पे जब राजा चले जाते थे लड़ाई पे या किसी चीज़ों पे तो ऊपर सारे किन्नर रहते थे जो कि सारी रानियों का नीचे प्रोटेक्शन करते थे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें पता चली। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है गाइस कि जब आप गाइड के साथ आते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। ये देखो गाइस सामने एक छोटा सा दरवाज़ा है और यहाँ से हम दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं। ऐसे जगह पे गाइस पता चलता है कि मतलब उस जमाने में कैसी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो थोड़ा सा देख के एकदम अपने आप में ही अलग फीलिंग आ जाती है। अच्छा तो ये यहाँ का स्टोर है जो आप मेरे सामने देख रहे हो, ये फिल्म जोधा अकबर का बहुत बड़ा सा जो वो पतीला था ना जिसके अंदर जोधाबाई ने खाना बनाया था जो कि ऐश्वर्या राय ने एक्ट करा था, तो ये वही वाला पतीला है, यही जगह है, यहीं पे सारी शूटिंग्स वगैरह हुई थी। यहाँ पे दो बड़े बड़े पतीले हैं तो आप देख रहे हो मेरे सामने फिल्म जोधा अकबर से वो बड़ा सा पतीला जिसमें जोधाबाई ने खाना बनाया था। तो गाइज अब हम आमेर फोर्ट से निकल रहे हैं और बाहर मीना बाज़ार है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। मैग्नेट कितने के हैं? 50 का है। सारे इसमें सारे एक एक दिखाना है मेरे हाथ में तो सामान है। ये सर हवा महल है, ये जल महल है, ये गणेश पुल है जो ऊपर देख के आयो अमेरपुर का, गणेश पुल ऊपर देख के आयो, ये हवा महल है जो जयपुर सिटी का तेजस महल है, ये अमेरपुर का पीछे का बैकग्राउंड जो एलिफेंट राइडिंग होता है पीछे का व्यू है, ये ओल राजस्थान है, ये लिखा हुआ राजस्थान है। ये कलरफुल में जो पेंटिंग देख के आयो गणेश पुल की अमेरपुर के लिए तो गाइस इस तरीके से हमारा अमेर फोर्ट यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिया, मतलब घूम लिया जितना भी घूम सकते हैं और अब हम नीचे जा रहे हैं। तो गाइस हमारे पीछे आप देख रहे हो जयपुर का जल महल, जल महल ये हमारे पीछे है, अभी तो उसको बंद करके रखा गया है बट कुछ टाइम पहले ये फंक्शनल था और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती थी तो देखने में काफ़ी अच्छा। और इसके सामने पूरा का पूरा स्ट्रीट है जो कि पूरा मार्केट है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं, तो काइंड ऑफ जैसे मीना बाज़ार नहीं होता वैसा ही समझ लो, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें बिक रही हैं और यहाँ बच्चों बच्चों के लिए भी बहुत सारी गाड़ियाँ दिल्ली उल्ली में चलती हैं ना वो सारी चीज़ें हैं, और आर्ट वर्क बहुत अच्छे अच्छे बिक रहे हैं, कपड़े बिक रहे हैं जो कि ट्रेडिशनल जयपुर के कपड़े होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बिक रहे हैं। इसमें बोटिंग होनी चाहिए। हाँ एक बोट वहाँ खड़ी तो है पता नहीं। हाँ बंद है गाइस। तो ये है जयपुर का जल महल और अभी हम आमेर फोर्ट गए हुए थे तो आमेर फोर्ट हमने कवर पूरा कर लिया, आई होप आप लोगों ने देख रखा होगा अभी तक, तो अभी जल महल देख रहे हैं और उसके बाद स्ट्रीट थोड़ा सा अभी हम घूमेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, हो सकता है कुछ हम यहाँ से भी चीज़ें ले लें, हमने बहुत सारी चीज़ें ले ली है खरीद ली है तो ये है। और कैसा लगा तुमको यहाँ पर जयपुर में फर्स्ट टाइम आके? बहुत अच्छा, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इसके अंदर जाने का भी मन हो रहा है। जाने का तो मन होता ही है, मतलब काफ़ी यूनिक सा है, दूर से दिख रहा है। हाँ बोटिंग एंड ऑल कुछ कुछ होना चाहिए सो देट कि यहाँ का ये जो झील वाला एरिया है उसको भी अच्छे से यूज़ कर पाती है। One more time, hip hip. Surprise gift खरीदा मैंने। Wow. Lovely. इसका नाम है? Lovely.
तो सजल हम लोग कहाँ हैं? हम हैं जयपुर में सिटी पैलेस। सिटी पैलेस। और गाइस यहाँ पे सिटी पैलेस टूर के लिए दो तरीके के टिकट्स हैं, एक आम जनता के लिए जो कि है 200 रुपये का, और एक है प्रीमियम वाली जो कि है 2000 रुपये का। तो हमने नॉर्मल वाले लिए 200 रुपये के टिकट। कितने लिए हैं अनुराग? छः टिकट्स हमने लिए हैं 200 का, और बच्चों का फ्री है, मतलब 7 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनका फ्री है। और अब हम सोच रहे हैं गाइस कि हम यहाँ से गाइड भी ले लें। विदाउट गाइड ऐसी जगह घूमने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें चीज़ें पता नहीं है ना गाइस, तो गाइड ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो भी जस्ट गाइड हम पता कर रहे हैं कि गाइड का क्या कॉस्ट है, और फिर हम एक गाइड लेंगे और उसके थ्रू हम अंदर जाएंगे। पाँच किलोमीटर चलना है। इसी के ऊपर एक झंडा और लगता है क्वार्टर साइज का, जब राजा शहर में होते हैं। अभी राजा शहर में नहीं है तो झंडा नहीं है, सिर्फ लड़की है। तो लड़की को वो राजा नहीं बना सकते, तो उन्होंने अपनी लड़की के बेटे को अडॉप्ट किया, नाती। और जब 2011 में उनका देहांत हुआ तो उनकी जगह वो राजा बने। तो अभी जो राजा हैं वो हैं प्रेजेंट किंग पद्मनाभ सिंह, महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह जी उनका पूरा नाम है। सवाई टाइटल है जिसका मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। तो गाइज अभी जो मैं चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये है गाइज गंगा जली चांदी के कलश, जिसका सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। और ये जार दुनिया में एक ही है जो इतना बड़ा चांदी का जार है, जिसको हमारे जो राजा थे जो अभी गाइड ने हमें समझाया, ये जार उनके लिए जाता था, इसमें गंगा जल भरकर वो इसी से पानी पीते थे। तो ये दो जार हैं, तो ये दो जार इस तरीके से, जैसा है गाइज आप देख रहे हो यहाँ पे। एक जार का जो वज़न है ना 345 किलो है, इसकी ऊंचाई है 5 फीट 3 इंचेस, गोलाई है 14 फीट 10 इंच, और इसकी क्षमता है कैपेसिटी है 4091 लीटर की। तो इसमें वो गंगाजल वाटर होता था जो कि हमारे राजा लेकर जाते थे जहाँ भी जाते थे इससे पानी पीने के लिए। तो इसको बोलते हैं स्वैग, और इसको बोलते हैं एक इतिहास। गाइज मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है जयपुर का मुबारक महल, जो कि राजा ने गेस्ट हाउस की तरह अपने जो भी गेस्ट आते हैं उसके लिए बनवाया था। तो मेरे पीछे है मुबारक महल, तो अभी हम इसके अंदर जाएंगे। तो गाइज अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो बाहर से आप देख लो। तो गाइज ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये करंट के रॉयल फैमिली है, तो वेपन म्यूजियम है ये, और पता नहीं अंदर इसमें भी फोटोग्राफी अलाउ है या नहीं। थोड़ी सी मस्ती बनती है ना, अब रुचि अभी उड़ाएगी सजल को। अबे उड़ो बे, खींच लिया मैंने। तो गाइस जिसका हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो पपेट्स वो यहाँ पे चल रहा है। तो आप देखो और
गाइस फाइनली हमारा यहाँ का विजिट पूरा हो गया और अब हम हमारी गाड़ी आ गई है गोल्डन ट्यूलिप और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और खाएंगे कुछ स्नैक्स, करेंगे थोड़ी मस्ती और अभी तो शाम पूरी बाकी है तो बहुत सारी चीज़ें, तो स्टे ट्यून गाइस और मिलते हैं थोड़ी देर में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है हवा महल जो कि रात को लाइट से पूरा जगमगा रहा है। तो गाइज़ हमारा है यहाँ पे आज सेकेंड डे जो कि ख़त्म हो रहा है, बहुत सारी मस्ती आपने वीडियो में देख ही ली होगी। तो अभी रात को निकलते निकलते शॉपिंग करते करते हमने सोचा कि चलो हवा महल भी देख लेते हैं। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये हवा महल का फ्रंट, जहाँ से पूरा का पूरा आपको हवा महल नज़र आ रहा है। तो ये रात की लाइट में काफ़ी गजब का लग रहा है गाइज़, और सच में अगर आप जयपुर नहीं आए हो तो एक बार आना बनता है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं दिल्ली में रह के मेरा जयपुर विजिट ये फर्स्ट टाइम का था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे जयपुर सिटी और यहाँ का शॉपिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। चीज़ें बहुत सस्ती हैं और ऐसे रेट हैं कि आप उसमें भी बार्गेनिंग क्या करोगे, मतलब रेट बहुत अच्छे हैं और बहुत मज़ा आया। बार्गेनिंग भी की हमने, खूब करी सारी की, खूब सारे चादर खरीदे, साड़ियाँ ली और चप्पल लिए, बहुत सारी चीज़ें ली, तो बहुत मज़ा आया गाइस। और सच में अगर जो जयपुर नहीं आया तो एक बार उसका आना ज़रूर बनता है और मस्त है ये जगह। और गाइज मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो गाइज अब हम कह रहे हैं जयपुर को यहाँ से अलविदा, हम यहाँ से निकलने वाले हैं होटल की तरफ और कल मॉर्निंग में हमारा यहाँ से चेकआउट है गाइज। तो ये हवा महल रात का व्यू आपके लिए हाई डिमांड पे, और आई होप आपको ये सारी वीडियो फुटेज बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मनी टेक वीलॉग एंड आई एम मनीष, और मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द और अच्छे धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।